Good morning, dear friends, and may the Lord's blessing and His presence be with you through this day. सुप्रभात मेरे मित्रों, और परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी उपस्थिति आज के दिन आप सब के साथ हो. And blessed are those who know the word of God and stick to God's teaching. और धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं और उस वचन अनुसार जीवन में चलते हैं. In our last meditation, we meditated on what is a true prophet. और हम अपने पिछले मनन में इस बात में मनन कर रहे थे कि एक सच्चा नबी, एक सच्चा भविष्यवक्ता कौन है? Or what makes a true prophet? या कौन से गुण हैं जो एक सच्चे नबी या भविष्यवक्ता को बनाते हैं? I said there are four clear marks by which you can know whether a person is a true prophet. और मैंने इस बात को बताया थे कि ऐसे चार सच्ची बातें चिन्ह हैं जिनके द्वारा आप एक सच्चे भविष्यवक्ता को पहचान सकते हैं. Number one, पहली बात, he has a listening ear. उसके पास सुनने वाले कान हैं. And number two, दूसरा, he has a seeing eye. उसके पास देखने के लिए आंखें हैं. So we will continue that study. और हम इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे. This topic of who is a true prophet. और इस अध्ययन में कि एक सच्चा नबी कौन है? And on Tuesday we found that a true prophet is a man with listening ears. और हमने देखा कि कैसे एक सच्चा नबी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सुनने वाले कान हैं. And he is also a man who has a seeing eye. और एक ऐसा मनुष्य जिसके पास देखने वाली आंखें हैं. And Jesus is and he was always a perfect example. और यीशु मसीह हमेशा एक सच्चा उदाहरण इस बात के लिए था. He spoke what he heard from the Father, और उसने, what the Father spoke. और उसने उन बातों को बोला जो उसने पिता से सुनी. And he did the work which he saw his father did. और उसने उन्हीं कार्यों को किया जो उसने अपने पिता को करते हुए देखा. And we closed at this point. और हमने इस बात पर अपने पिछले अध्ययन को रोका. We shall now talk about the other two. और अब हम आज के दिन अगले जो दो चिन्ह हैं सच्चे नबी के उन पे बात करेंगे. Very often God asked his prophets. और कई बार परमेश्वर अपने नबियों से, अपने भविष्यवक्ताओं से ये पूछता है. Son of man, what do you see? कि मनुष्य के पुत्र, तू क्या देखता है? John chapter 6. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका छठा अध्याय. In this chapter. और इस अध्याय में. The disciples saw his glory in the act of feeding a big multitude with just 5 loaves and 2 fishes. और इस अध्याय में चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखा उस कार्य में, उस चिन्ह में जिसमें उसने 5,000 लोगों को खाना खिलाया सिर्फ 5 रोटी के टुकड़े और 2 मछली से. Isaiah saw the suffering savior. और यशया नबी ने देखा वो दुख उठाने वाले उद्धारकर्ता. Daniel saw the future and the end of the age. और दानियल नबी ने देखा ओ युग के शुरुआत और युग के अंत को संभाले हुए और द रेस्टोरेशन एंड सल्वेशन ऑफ इसराइल. और यजकियल नबी ने देखा इसराइल का इसराइल को बचाया जाना और उसके मोक्ष और उद्धार के समय को. दैट हैपेंड इन 1948. और जो कि 1948 में हुआ. व्हिच इज रिकॉर्डेड इन यजकियल चैप्टर 37. जिस बात के लिए हम यजकियल नबी की पुस्तक उसके 37वें अध्याय को पढ़ सकते हैं. John the disciple saw the new heaven and new earth. और यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था उसने नए स्वर्ग और नई पृथ्वी को देखा. And the new Jerusalem which is the home of the church, eternal home. और एक नए यरूशलेम नगर को देखा जो कि उस अनंत कलीसिया का स्थान और घर है. My friends, do we see where the world is heading today? और क्या मेरे मित्रों हम इस बात को देखते हैं कि किस ओर ये संसार बढ़ रहा है? All the events that are happening around us. और वो सारी बातें जो हमारे इर्द-गिर्द हो रही हैं. And the Bible prophecy, we have the Bible prophecy to show where we are heading. और हमारे पास वो पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणियां हैं ये दिखाने के लिए कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं. So the third things I want to say is this. और ये तीसरा गुण है. A prophet is a man with a courageous voice. और एक नबी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास वो दृढ़ आवाज है या साहसी आवाज है. The prophet Nathan said to David. और नाथन नबी ने दाऊद से इस बात को कहा. You are the man. तू है वो मनुष्य.
And take any true prophet. और किसी भी सच्चे नबी की आप बात करिए. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel. यर्मेया, यजिकियल. These Old Testament prophets heard the voice of God. और ये पुराने नियम में पाए जाने वाले सारे भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर की वचन को वाणी को सुना. And stood boldly and declared, "Thus says the Lord." और बड़े ही आव के साथ खड़े होकर उन्हें ये कहकर परमेश्वर के वचन की घोषणा करी कि यहोवा परमेश्वर ये बात को कहता है. Like Elijah. या एलिया. Or Elisha. या अलीशा. All these prophets. ये सारे नबियों के विषय में. Spoke with such courage and boldness. और ऐसे साहस और हियाव के साथ उन्हें बात करी. Such is a prophet, and he does not say things in order to please those who are listening. और याद रखिए, एक सच्चा नबी कभी भी लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करेगा. Today his prophets have their eyes on the offering. और आज के नबियों की आंखें तो सिर्फ उन भेंटों की ओर लगी हुई हैं. And they go from house to house. और वो घर से घर को घरों की ओर बढ़ते हैं. And prophesy to the household people. और लोगों घरों के बीच में अपनी भविष्यवाणियों को करते हैं. And at the end he will receive a good offering. और अंत में एक अच्छा भेंट उन्हें मिलेगा. And so if he say anything negative. और इसलिए अगर वो कोई भी नकारात्मक बात कहेंगे. He may not get anything. तो उन्हें कोई भेंट मिलेगी ही नहीं. Even if he get it, it will be the smallest amount. अगर मिल भी जाए तो सबसे कम भेंट. Because they were not very pleased by what he said. क्योंकि वो परिवार खुश नहीं हुआ जो भविष्यवाणी उन्होंने दी. A true prophet will never try to please those who are listening because he just conveys the message from God. क्योंकि एक सच्चा नबी कभी भी लोगों की प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो तो उसी संदेश को लोगों तक पहुंचाएगा जो उसे परमेश्वर से प्राप्त हुआ है. Fourthly, चौथा गुण. A prophet is a man who is with a dedicated life. एक नबी एक ऐसा मनुष्य है जिसका जीवन एक समर्पित जीवन है. When Isaiah heard God was looking for a man to do his job. और जब यशया नबी को यह पता चला कि परमेश्वर खोज रहा है एक व्यक्ति को जो उसके कार्य को करने पाए. Isaiah responded. यशया ने कहा, Here am I. मैं यहाँ पर हूँ. Send me. मुझे भेज. He was ready to do what God wanted him to do. और वो तैयार था उन सारी बातों को करने के लिए जो परमेश्वर उससे कराना चाहता था. It was not easy. और यह आसान नहीं था. And history says. और इतिहास बताता है. He was persecuted. उसका सताव हुआ. And he was killed by sowing into two. और इतिहास ये बताता है कि उसका सताव हुआ और आरी से उसे दो टुकड़ों में काट दिया गया. So when you stand on behalf of God. और इसलिए जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं. And proclaim what God wants you to proclaim. और उस बात की घोषणा करते हैं जो परमेश्वर आपको घोषणा करने के लिए देता है. You are not afraid, but you are courageous. आप डरते नहीं, लेकिन आप तो साहसी हैं. He was this Isaiah was ready to do what God wanted him to do. और यशया नबी तो तैयार था हर एक उस बात को करने के लिए जो परमेश्वर उससे कराना चाहता. The world, especially the church, needs to hear what the Lord wants to say. और इसलिए संसार और खास रीति से कलीसिया को यह सुनने की आवश्यकता है कि परमेश्वर उनसे क्या कहना चाहता है. And therefore, what the church needs today. True prophets. और इसलिए आज के दिन कलीसिया को आवश्यकता है सच्चे नबियों की. So let true prophets rise. और इसलिए होने दे सच्चे नबी उठ खड़े हों. Who are prepared to do God's will. जो तैयार है परमेश्वर की इच्छा अनुसार कार्यों को करने के. Not their own scheme. अपनी योजनाओं के अनुसार नहीं. And when we are true to God. और जब हम परमेश्वर के प्रति सत्य रहेंगे. And true to the message that. Is given to you to proclaim. और उस संदेश के प्रति सत्य रहेंगे जो हमें घोषणा करने के लिए मिला है. Then God Himself will honor you, not man. और याद रखिए, तब परमेश्वर आपका आदर करेगा, ना कि कोई मनुष्य. So true prophets will never seek man's honor. और इसलिए याद रखिए, सच्चे नबी कभी मनुष्य का आदर के पीछे नहीं दौड़ेंगे. He will seek the honor of God. वो तो परमेश्वर के आदर और सम्मान के लिए कार्य करेंगे.
and by being obedient to his message. और ताकि वो परमेश्वर के संदेश के प्रति आज्ञाकारी ठहरे. So may the Lord raise up his true prophets these days. और इसलिए होने दे परमेश्वर इन दिनों में अपने सच्चे नबियों को उठ खड़ा करे. Who will call the church to holiness and to return to God and his ways. और दो कलीसिया को पवित्रता की ओर और उसके मार्गों की ओर वापस खींच लाए. Who will call the sin a sin? जो पाप को पाप कहेंगे. Like John the Baptist. जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला. It may not be easy. और यह आसान नहीं है. It may cost your life. हो सकता है कई बार आपको अपना जीवन भी देना होगा. But then your life is hidden with Christ in God. याद रखिए लेकिन आपका जीवन छिपाया गया है प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के पास. Hallelujah. Hallelujah. May the Lord keep all of us true. होने दे परमेश्वर हम सबको सच्चा बनाए रखे. Lord, we are living in these last days. होने परमेश्वर हम इन अंत के दिनों में जी रहे हैं. So many false prophets are around us. कितने झूठे शिक्षक और नबी हमारे इर्द गिर्द हैं. And they may have so many followers. और उनके पास कई सारे विश्वासी और अनुयायी हो सकते हैं. Because they speak only those things that will please people. क्योंकि वो सिर्फ ऐसी ही बातों को बताते और प्रचार करते हैं जो लोगों को खुश करे. That will make them feel good. और जो लोगों को प्रसन्न करे और अच्छा अनुभव दे. But we must realize that we are not called to make people feel good. लेकिन पिता होने दे हम इस बात को समझें कि हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं बुलाए गए. And but we are called to make people aware of their responsibility towards God. लेकिन हमें तो इसलिए बुलाया गया है ताकि हम लोगों को जागृत कर सके परमेश्वर के प्रति उनकी जिम्मेदारी के लिए. They will always call people to holiness. ताकि वो तेरे लोगों को पवित्रता की ओर बुलाने पाए. Call people to repentance. लोगों को मन फिराने के प्रति बुलाने पाए. And return to God in humility. और परमेश्वर के प्रति दीनता में वो वापस लौट आए. And we will see God's righteousness. और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करने पाए. Such people are needed. ऐसे लोगों की आवश्यकता. Who are not afraid. जो डरे ना. To declare the message of God. तेरे संदेश की घोषणा करने के लिए. May the Lord grant to us that. होने दे परमेश्वर ये बातों को हमें. Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. Remember these four marks. इन चारों चिन्हों को आप याद रखिए. And check whether a prophet whom you follow listen to God. और देखिए और जांचिए कि किस नबी के पीछे या जिसके पीछे आप चल रहे हैं क्या वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं. What he says will never contradict God's word. जो कुछ भी वो बताएंगे वो कभी भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध ना होगा. That is the mark. और ये वो चिन्ह है. And he has a seeing eye. उनके पास देखने के लिए आंखें. And he is bold and courageous. और वो साहसी और हियाव के संग है. Only intention is to bring glory to his God. और सिर्फ इतना ही उद्देश्य कि परमेश्वर को महिमा मिलने पाए. Remember this. इनको याद रखिए. And I pray that you will be wise. और मेरी प्रार्थना ये है कि आप सब समझदार और ज्ञानी बनिए. And they live such dedicated life. और ऐसे समर्पित जीवनों को जिए. No matter what it cost. और ये मायने नहीं रखता कि दाम कितना भी चुकाना पड़े. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. आमीन. आमीन.